हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लार्ज और लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बॉवेल भी बोलते हैं। जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को ट्रेवल करने के बाद सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन में ही आता है। अगर हम इस लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा और डिटेल में समझें तो यहाँ पर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके मेनली चार हिस्से होते हैं। पहला होता है सेकम, दूसरा होता है कॉलन, तीसरा होता है रेक्टम और चौथा होता है एनल कैनल। और यहाँ पर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलन वाला हिस्सा होता है इसके भी चार पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला होता है असेंडिंग कॉलन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कॉलन, तीसरा होता है डिसेंडिंग कॉलन और चौथा होता है सिग्मॉइड कॉलन, जैसे कि आप यहाँ पर एनिमेशन में देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ क्या है, ये कितनी लंबी होती है, तो मैं आपको बता दूं, एक हेल्दी एडल्ट में अप्रॉक्स या 1.5 मीटर तक लंबी हो सकती है। नियर अबाउट बात करें फिट में तो 5 फिट तक हो सकती है। अगर हम जो हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी लंबाई के हिसाब से हम इस लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई को कंपेयर करें तो हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के 1/5 हिस्सा कवर करता है ये लार्ज इंटेस्टाइन। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करके हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का मेन रोल क्या होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वह यह होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड आइटम गया है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको पचा चुका है और काइम एक मिक्सचर बना दिया है, जब यह मिक्सचर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो इस मिक्सचर के अंदर जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं, जो भी सॉल्ट्स हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसको बॉडी यूज़ कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, काम में ले सकती है, उन सब को हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और बाकी जो बचा इनडाइजेस्टेबल पार्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको नीचे भेज देती है, हमारे एनल कैनल के थ्रू भेज देती है ताकि वो बाहर निकल जाए बॉडी से, एक्सक्रीट के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में, पू के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो आप जानते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें लगभग 90% तक न्यूट्रिएंट पूरे एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, जो भी आपने खाया है पिया है, लेकिन जो बच गए हैं न्यूट्रिएंट वो यहाँ पर आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में और यहाँ से फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मेनली यहाँ पर सॉलिडिफाई किया जाता है जो काइम है, सॉलिडिफाई मतलब कठोर बनाया जाता है, जो आपका एक्सक्रीट है, जो आपका जो पू होता है, जो स्टूल होता है, उसको यहाँ सॉलिडिफाई किया जाता है, जो भी वाटर है उससे निकाला जाता है और आपके स्टूल में क्या बचता है, आपके फूड का जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट है, जैसे कि डाइट्री फाइबर हो गया, वो इस स्टूल में प्रेजेंट रहता है। और साथ ही साथ यहाँ इस लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है मूकस, जो इस सॉलिड पार्टिकल को मिक्स साथ मिक्स हो जाता है और थोड़ा सा इसको सॉफ्ट बनाता है ताकि ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए स्टूल के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। जो भी फूड आइटम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, जो काइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है कौन सा, सिकम में आया, फिर उसके बाद ये भेज देता है कॉलन में। कॉलन में क्या होते हैं, चार पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मॉइड कॉलन। तो यहाँ पर जब कॉलन में आपका ये काइम आया तो ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहता है और कॉलन क्या करता है, इसको आगे भेजता है, फॉरवर्ड भेजता है और स्लोली आराम से भेजता है। और जब ये आगे पुश करता है तो जो भी वाटर है इस काइम के अंदर वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और ये सॉलिड मटेरियल बन के आपके कॉलन में घूमता है और चला जाता है रेक्टम में और फिर उसके बाद एनल कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में एक और खास चीज जान लीजिए कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया भी होते हैं। यहाँ पर पूरी कॉलोनी बसी हुई होती है बैक्टीरिया की और इस कॉलोनी को गट फ्लोरा बोलते हैं या फिर इसको गट माइक्रोबायोम भी बोलते हैं, गट माइक्रोबायोटा भी बोलते हैं। यहाँ पर 700 से ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की 700 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और अगर इनकी गिनती की बात करें जाए तो 50 से 100 ट्रिलियन तक ये बैक्टीरिया माइक्रोबियल सेल मौजूद होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B7 जिसको बायोटिन बोलते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे जो फूड हमने खाया है उसके
अंदर जो भी डाइटरी फाइबर है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और यह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग तरह के केमिकल भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एसिटेट हो गया, ब्यूटरेट हो गया, प्रोपायोनेट हो गया, जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, जैसे कि एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर सकती है, लिपिड के सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज कर सकती है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कोलन होता है उसके अंदर अंदरूनी हिस्से की जो लाइनिंग होती है उसके नरिशमेंट के लिए यूज कर सकती है। सो यहाँ पर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं यह हमारे डाइजेशन प्रोसेस का बेहद खास हिस्सा होते हैं। और यहाँ पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर कोई भी प्रोटीन अवेलेबल नहीं होता, कोई प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता। तीसरा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं होता है। जो भी केमिकल डाइजेशन होना होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहले ही हो चुका होता है। यहाँ पर केवल जो आपका काइम आता है उसके अंदर जो भी सॉल्ट प्रेजेंट है, जो भी वाटर प्रेजेंट है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो गए, जो भी ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो बच गए हैं वह एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और फिर चौथा चीज़, यहाँ पर जो कोलन होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके पीएच की बात की जाए तो इसका जो पीएच है 5.5 टू 7 के बीच में रहता है, मतलब स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल। अगर इसका पीएच ज़्यादा नीचे जाएगा तो बहुत दिक्कतें होती हैं आपको, बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जाना कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग फिटनेस के बारे में एडवांस इन्फॉर्मेशन गेन करना तो यहाँ पर आप हमारा एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए ऑफर भी है तो ऑफर मिस बिल्कुल भी मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय। सब्सक्राइब।